कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ में शराब की दुकानों से कलेक्शन कर लौट रहे कैशियर अंकुर सोम को कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में लूट लिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को खिरवा पुल के निकट अंजाम दिया। कैशियर को पोंटी चड्ढा ग्रुप से जोड़कर बताया जा रहा है। एसपी सिटी ने जहां लूटी गई रकम 5 लाख रुपए बताई है, वहीं जिसके लिए अंकुर काम कर रहा है उसने यह रकम करीब 3 लाख रुपए कही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और मामले की जांच कर रही है। लूट की है वारदात बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे हुई। कैशियर अंकुर सोम ने वारदात की सूचना 112 पर दी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। थाने पहुंचे अनिल शर्मा ने बताया कि अंकुर सोम उनका ही स्टाफ है, उनका पोंटी चड्ढा ग्रुप से कोई नाता नहीं है। पहले देखिए थाने पहुंचे अनिल शर्मा ने क्या बताया। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। क्या मामला हुआ? अनिल शर्मा की किस कंपनी के लिए बता। कंपनी नहीं, अलग अलग नाम से ठेके, उनकी देखभाल कर। कंपनी कोई नहीं। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ था? आज एक लड़का हमारा कैश लेके आ रहा था 7-8 दुकानों का, तो लास्ट में वो आया जटोली बियर की दुकान पे, वहाँ से उसने कैश लिया। जैसे ही वो वहाँ से चला तो 3 लड़के आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने वो कैश ले लूट लिया। लगभग 3 लाख रुपए कैश था, तमंचा तान दिया उसके ऊपर और पैसे लेकर भाग। कितने लोग बनाए जा रहे? कितने लोग? 3 लोग थे। कहाँ की घटना है ये? खिरवा रोड पे जटोली के अपोजिट मार्बल की दुकान है उसके पास। अच्छा, प्रतिदिन कलेक्शन जो इनका वही करते हैं, वही करते हैं उसी रूट पे? उसी रूट पे। टोटल कितना कैश बताया? 3 लाख के लगभग। वहाँ से पुलिस को कुछ दे? बाकी तो अभी हिसाब बनेगा जब दे देंगे। अच्छा, घटना की सूचना आपको पुलिस को कब दी गई? मुझे 12 बजे के लगभग। घटना कब हुई थी? उसी सब दौरान हुई है। और इसके बाद आप लोग पुलिस को सूचना दी आपके कर्मचारी? कर्मचारी ने उस जो कैश कलेक्शन है उसने 112 पे कॉल कर दी थी और फिर पुलिस को सूचना दी। तो अभी पूछताछ की गई, क्या कुछ निकल गया है, कुछ पता चला? अभी तो कुछ नहीं पता लगा, अभी पुलिस जांच कर रही है। देखो बात। अच्छा, एजेंट से आपने बात की, क्या कुछ बताया? नहीं, अभी तो उसने तहरीर दिया, उसको पुलिस अपने साथ लेके गई हुई है घटना स्थल पर, उससे बात करेंगे। तो इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी मीडिया को दी। सर, एक शराब के कलेक्शन एजेंसी लूट की वारदात हुई है, कितने पैसे लूटे गए और क्या पूरी वारदात? देखिए, आज थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में खिरवा पुल पड़ता है, वहाँ पर एक अंकुर सोम नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक लीकर शॉप के कलेक्शन एजेंट है। ये शॉप से पैसे कलेक्ट करके आ रहे थे खिरवा पुल के पहले ही। इन्हें 3 बदमाश जो एक बाइक पर सवार थे, उनके द्वारा इनको तमंचा दिखा के इनसे करीब 5 लाख रुपये इनके द्वारा लूटे गए। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कंकड़खेड़ा पुलिस SOG और सर्विलांस की टीम लगाई गई है। इसमें अभी फिलहाल 3 टीमें काम कर रही हैं जो कि CCTV फुटेजेस देख रही हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान के सुसंगत दारों में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा इसमें अग्रिमित कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या पोंटी चड्ढा ग्रुप का एजेंट है? इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है, जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।